हेलो एवरीवन, दिस इज हरिंदर साहू फ्रॉम किंग रिसर्च एकेडमी। आप सभी लोगों का स्वागत है किंग रिसर्च फैमिली में। गाइस, मैं लेके आया हूँ आपके पास कल की बात। आज एपिसोड नंबर 50, यानी कि हाफ सेंचुरी आज हो गई है। 19 जून 2020 की बात करेंगे, या आज 18 है, लेकिन हम इस एपिसोड में बेस्ट आपको देने की कोशिश करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक्स के लेवल्स प्लस निफ्टी और बैंक निफ्टी के। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले परफॉर्मेंस देता हूँ जो कल रात को हमने वीडियो बनाई थी। आधी रात को बनाया था, 12:30 बजे के आसपास बनाया था एज पर द माई कमिटमेंट। भाई थोड़ा सा बिजी हो जाता हूँ, आई एम ऑल्सो फुल टाइम ट्रेडर। एल्गो बनाना पड़ता है, एल्गो की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, नई स्ट्रैटेजीज पर फोकस करता हूँ, सो मेनी थिंग आई नीड टू डू। तो उसके लिए थोड़ा सा कल लेट हो गया, लेकिन आज मैं आपको 9 बजे ही दे दे रहा हूँ। तो चलिए पहले देख लेते हैं कल जो दिया था उसका क्या परफॉर्मेंस है। गाइस, निफ्टी, यस, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया बॉस। डरना किस बात का है? एसएल होता ही हिट होने के लिए है, तो किस चीज का डर है? डरता वो है जो अनएजुकेटेड पीपल है, जिसको मार्केट में ट्रेड करने का टी नहीं पता, वो डरेगा। भाई फिर बोल रहा हूं, स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। एसएल हुआ, खुशी से एसएल लेके जाओ। कैसे लेके जाओगे खुशी से एसएल? अगर आप हमारा SRM स्ट्रैटेजी देखोगे, उस बेसिस पे ट्रेड लोगे, तो ही आपको SL देने में भी खुशी मिलेगी। लेकिन कुछ 2-4-5 लोग हैं मार्केट के अंदर, दे नो डोंट नो हाउ टू ट्रेड, बट ये सोचते हैं कि भैया अगर मैं तालाब जा रहा हूं और कांटा डाल रहा हूं, तो हर कांटे में मछली आए। पॉसिबल ही नहीं है दोस्त। मछुआरा भी बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर है, 20-30 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा है। अगर वो भी फिशिंग करने जाता है, हर कांटे में उसकी मछली नहीं आती है, लेकिन वो पेशेंस रखता है, अपने हिसाब से उसमें कांटे में चारा लगाता है, उसमें इन्वेस्टमेंट करता है, उसके बेसिस पे, वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे किस दिन निराश भी जाना पड़ता है, किस दिन छोटी मछली से खुश होना पड़ता है, और किसी ना किसी दिन बड़ी मछली लगती है। लेकिन दिक्कत यही है स्टॉक मार्केट में, सबको बड़ी मछली चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है। फिर बोल रहा हूं, जितने छोटे भाई बंधु हैं गाइस, अगर मार्केट में काम करना चाहते हो, सीख के ट्रेड करना, अदरवाइज मार्केट में मत करो एंट्री। जितना पैसा अपने पास रखो भाई, जितना लॉस हो गया ये मत सोचो रिकवर करने के लिए आया, आप लोगों को ही लपेटा जाएगा। बड़े बड़े प्लेयर्स आप लोगों को ही लपेटेंगे, और बोल के लपेटेंगे। फिर बोल रहा हूँ, बाद में नहीं बोलना कि सर हमारा क्या हुआ। एक भाई आज मुझे व्हाट्सअप करता है कि सर मेरा 70,000 का इन्वेस्टमेंट था, आज मेरा करीब करीब 70,000 के इन्वेस्टमेंट में 45,000 का उसका नुकसान दिखा रहा है मेरे को, M2M भेजा है। मैंने कहा भैया वेरी गुड, मेरा स्टेटमेंट समझना। मैंने कहा भैया वेरी गुड, फैंटास्टिक। मार्केट में डिसिप्लिन तरीके से ट्रेड नहीं करोगे, अगर आपको ट्रेड नहीं पता है, बच गए सर ये जो 75 जो हजार बचे थे उसमें से आधे ही गए हैं, 40-45 ही गए हैं, बच गए ये पैसे हैं, निकाल लो मार्केट से और रिलैक्स करो, नहीं तो ये भी चले जाएंगे। क्योंकि आपके अंदर जोश आएगा, छोटे ट्रेडर हो, पैसा इतना चले गया 40-45,000 रुपीज एक ही दिन में, तो क्या होगा? आपके अंदर चुलबुल पांडे की तरह चुलबुली निकलेगी, और आप सोचोगे यार मैं इस बार तो रिकवर करके निकलता हूं, और फिर पूरा लगाओगे, फिर वही मार्केट लपेटेगा। इसलिए बोलता हूं, मार्केट गुरु है, मार्केट से सीख लो। स्टॉक मार्केट इज नॉट अ गेम ऑफ वन डे और टू डे, स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ लाइफ लॉन्ग। आप अगर स्टॉक मार्केट में लंबे समय के लिए टिक गए, आपको अनुभव का भी, एक्सपीरियंस का भी मजा आ जाएगा, प्लस आप पैसा भी मार्केट में थोड़ा ही सही, लेकिन पैसा बनेगा, जेब से पैसा नहीं जाएगा। उसके लिए नो बोल बच्चन, मेहनत करो, खुद से मेहनत करो। ऑलरेडी 10 से 12 स्ट्रैटेजी आपको YouTube में डाल रखी है भाई, मैं उनमें से नहीं, आधी स्ट्रैटेजी आपको दूंगा और बोलूंगा कि जाओ आधी स्ट्रैटेजी मेरी क्लास ज्वाइन करो, तब मैं आपको सिखाऊंगा। मैं उनमें से नहीं हूँ भाई, बहुत सारे चैनल एनालिस्ट आप देख लेना, आधी स्ट्रैटेजी देते हैं और आधी बोलते हैं कि मेरा क्लास ज्वाइन करो ना। क्लास में तो मैं सिर्फ साइकोलॉजी समझाता हूँ, क्लास में तो सिर्फ मैं अपने कुछ और फेवरेट स्ट्रैटेजी, 3-4 स्ट्रैटेजीज और प्यारी प्यारी स्ट्रैटेजीज है, वो मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। उसमें भी मेरा इंटेंशन समझना भाई साहब। टच वुड, मैं अपने ट्रेड से बहुत खुश हूँ, मैं अपने ट्रेड कर लेता हूँ, आई एम अ प्रोफेशनल ट्रेडर, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, खुद पैसा बना लेता हूँ और इतना पैसा बना ही लेता हूँ भाई
जो आप लोग सोचते हो ना कि क्लास से कुछ लोग जो दो चार आज बोल रहे थे, मैंने सबको उनको रिप्लाई भी दिया है फ्रंट पेज पे। जिन लोगों ने गोल्ड मेंबरशिप लिया रहता है उनमें से कुछ तो है ही नहीं गोल्ड मेंबरशिप, अपने दूसरे चैनल वाले आके हमारे चैनल में कमेंट बाजी कर रहे हैं। नो प्रॉब्लम भाई, हर्ट तो होगा, लॉस होगा, तो दिक्कत तो होगी थोड़ा सा। हम बोल रहे हैं कि किसी से टिप्स मतलब उनकी टिप्स की दुकान बंद हो रही है भाई, तो उसके लिए ट्रॉलर्स तो आएंगे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन, स्टॉक मार्केट इज नॉट अ गेम ऑफ वन डे और टू डे। मैं लॉन्ग रन की बात करता हूँ, जब 10-12 साल हो गए मुझे मार्केट में सस्टेन करते हुए, तो आगे भी मैं सस्टेन कर लूंगा। अपना सोचो मेरे भाई, जो 4-5 ट्रॉलर्स हैं, फिर बोल रहा हूँ अपना सोचो, पैसा बनाओ और लोगों की हेल्प करो। पैसा, नीयत साफ रखो, नीयत साफ रखो, बात खत्म। ऑलरेडी फ्री में इतनी सारी स्ट्रेटेजी दी हुई है, आगे भी चल के 10-15-20 और दूंगा, रोक सको तो रोक लो, बिल्कुल दूंगा। 1 लाख सब्सक्राइबर का वेट कर रहा हूँ, वहां पे एक पावरफुल और स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ। ऑप्शन की नो लॉस ऑप्शन स्ट्रेटेजी इंट्राडे क्या पावरफुल वर्क कर रही है, लोग पैसा कमा रहे हैं, स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं। उल्टा पुल्टा पावरफुल वर्क कर रही है, लोग पैसा बना रहे हैं, स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं। मैंने वीकली ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी भी दी हुई है, उसमें भी लोग पावरफुल पैसा बना के मेरे को स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं। भाई इतना टाइम नहीं रह पाता है कि मैं आपको डेली बेसिस पर टेलीग्राम में स्क्रीनशॉट दे दूँ। बहुत सारी चीज़ होती है, वन मैन आर्मी है मेरी टीम। कोरोना की वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को फ्री में देने की, जितना दे सकता हूँ उतना ही दे पाऊंगा भाई। अगर फ्री में दे रहा हूँ लेकिन कुछ लोग सीधे गर्दन पकड़ने की बात करते हैं, मेरे भाई अभी आप बालक हो, फिर बोल रहा हूँ अभी आप बालक हो। मैं भी बालक हूँ, ऐसा नहीं है, मेरे अगर एज में जाऊँगा तो मैं भी बालक हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस में जाऊँगा तो मैं आपका दादाजी हूँ। बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, राइट? मैं बोलना नहीं चाह रहा है स्टेटमेंट, लेकिन आज मेरा निफ्टी में स्टॉप लॉस क्या हुआ, निफ्टी में खिल बोला था मैंने कि भैया डाउन लग रहा है, प्रीवियस लेवल दिए थे 30 पॉइंट, 25 पॉइंट, 40 पॉइंट का, भाई मैं ऐसा दे देता हूँ। फिर समझना, अगर आप ट्रेड नहीं कर पा रहे हो प्लीज मत करो भाई, जबरदस्ती किसी ने नहीं बोला आपको ट्रेड करना है, किसी ने नहीं बोला ट्रेड करना। समझ में आ रहा है करो, नहीं समझ में आ रहा है सिंपल सी बात है भाई। आप प्लीज गाइस, कोई जरूरत नहीं है फॉलो करने का। मैं यार आप लोग के हिसाब से नहीं चल सकता, आप लोग जिस हिसाब से चलते हो आपको पता है आपका रिजल्ट ओवरऑल जीरो ही आता है, तभी आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, नहीं तो मुझे मेरे पास नहीं आते थे। और मेरा काम बोलता है M2M, मैं आपको डेली बेसिस पे टाइम टाइम पे आपको डालता रहता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आए किसको फॉलो कर रहे हो। हम वो नहीं भाई जो खाली ज्ञान देता है, हम लोग मार्केट में लाइव आके बताते हैं आपको, लाइव आके टिप्स देने की कोशिश करते हैं, हर चीज लाइव देने की कोशिश करते हैं, जिसका आपको समझ में, हमें डर नहीं लगता हमारे परफॉर्मेंस से, हमें हमारी नीयत साफ है बॉस। अगर मेरी नीयत साफ है मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, सिंपल सी बात है। एम एस अभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आधे से ज्यादा लोग आप देख लो जितने यूट्यूबर्स हैं या इधर उधर के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, आपका टेलीग्राम के प्लेटफॉर्म्स हैं या जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे भी लोग टिप्स देते हैं, भाई साहब सब गलत काम कर रहे हैं। कोई सभी रजिस्टर्ड नहीं है, सभी रजिस्टर्ड हो तभी आपको परमिशन मिलती है देने का। मैं सभी रजिस्टर्ड भी हूँ मेरे भाई, सोच समझ के ध्यान से बोलो, नहीं चीज़ समझ में आ रही है भाई रास्ता बदल लो, सिंपल सी बात है। हो गया बड़ा सा लेक्चर मैंने आपको दिया होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा जो मेरे रियल फॉलोअर्स हैं, लेकिन कुछ 3-4-5-10 लोग हैं मार्केट में, कितना अच्छा कर लो भाई, उनको हजम नहीं होता यार ये बंदा अच्छा कैसे कर रहा है, इतना सारा काम एक साथ कैसे कर रहा है, ट्विटर भी हैंडल कर रहा है, फेसबुक भी, यूट्यूब भी, कॉल्स भी दे रहा है, ऑप्शंस भी दे रहा है, हेजिंग भी दे रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी रात को लेवल्स भी देता है, वीडियो एडिटिंग भी करता है। हाउ, आप लोगों का प्यार है, रोक सको तो रोक लो, ये तो मैं करता रहूंगा। चलो मेरे भाई, बैंक निफ्टी यस स्टॉप लॉस हिट अगेन, बैंक निफ्टी निफ्टी में अगेन आज का स्टॉप लॉस हिट हुआ। कल आपने देखा था गिरती हुई चीज को भी हमने ठोका था, हमने प्रॉफिट बुक करा था 200-250 पॉइंट, और चढ़ती हुई मार्केट में भी हमने बोला था भाई, वो भी रिजल्ट आपको कल का पता है। आज का हमारा स्टॉप लॉस हो गया, लॉस बुक करेंगे। चोला फाइनेंस, लुक एट द पॉइंट्स, चोला फाइनेंस क्या दिया था देखेंगे। ये देखो भाई, लास्ट क्लोज 168.20, कैच इफ यू कैन अबव 165, नो वरी एट ऑल, क्लियर कट बोला है। बट आप क्या हो, 2-3-4 ट्रेड देता हूँ, 4 में से 1 ट्रेड करते हो, कैसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे, ऐसे ट्रेड नहीं होती है। फिर बोल रहा हूँ प्लीज फॉलो करो, नहीं कर पाते फॉलो तो पहले सीखो कैसे फॉलो किया जाता है। कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं हम छोटे ट्रेडर हैं, हमें आप बिल्कुल बताओ, भाई मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपके घर में आके आपको स्पून से खिलाऊंगा बच्चे की तरह, आप बच्चे नहीं हो भाई, बहुत बड़े हो गए आप, बट ट्रेडिंग आपके वही बच्चों वाली है। थिंक लाइक अ बिग शार्क, डोंट थिंक लाइक अ चिंदी, पीपल लाइक क्या बोलूं जो ट्रॉलर्स है, राइट? तो कैच इफ यू कैन, देखो 165 के बाद बोला था रिजल्ट
168 के ऊपर, और लास्ट क्लोज था और बोला था 168 के ऊपर, नो प्रॉब्लम बाई करने का सोचो, परफॉर्मेंस आपके सामने है। 172.50 मॉर्निंग में गैप अप ओपन हुआ था, 172.50 पे ऑलमोस्ट कैच ओपनिंग बेल बोला था, बाई किया, 178 का लेवल आया। टीवीएस मोटर क्रैश फ्रॉम 365 टू 316, ये देखो मेरे भाई टीवीएस मोटर में क्या बोला था आपके सामने है, 360-369 तक का लक्ष्मण रेखा बोला था और बोला था शॉर्ट करो। परफॉर्मेंस लुक एट दिस, 5.300 रुपए में 5 पॉइंट आपको वो भी गिर गया। प्लस वोल्टास 3 रुपए का लॉस बुक, मात्र 3 रुपए का लॉस बुक है। कैनफिन होम चेक करो भाई, 339 से 352 टॉप परफॉर्मर पे भी है। नो ब्लाबला एडवांस में बोल रहा हूं, दुनिया आपको सेम डे बोलती है, वो भी ब्रेकआउट हो तो ब्रेकआउट हो भाई, उससे मेरे प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, काम बोलता है, बात खत्म। अब मैं बात करूंगा एडवांस लेवल की, यानी कि कल की बात करूं, कल किन स्टॉक्स पे नजर रखना है, किन स्टॉक्स पे काम करना है। सो निफ्टी फ्यूचर लास्ट क्लोज 10,074, यस नाउ कीप आई 10,027 एज क्रूशियल सपोर्ट, यस इफ ब्रेक देन पैनिक स्लाइड अप टू 9,970-9,947। फिर से एक और लाइन दे रहा हूं, यस इफ ब्रेक 9,927 then sell and sit relax, slide up to 9,856-9,830, upside hurdle 10,147-10,170। अगर ये upside level टूटता है, ध्यान से समझना कल, 170 का level if it is break and stay, then it will be fire, it will be seen rocket up, it will zoom to kiss 10,247, और गाइस मैंने आपको एक हफ्ते पहले ही निफ्टी के लेवल्स बता दिए थे, बड़े पोजिशनल वीक लेवल्स बता दिए कि भैया 11,000 आएगा या 8,000 आएगा, मैंने आपको क्लियर कट बताया था, वो वीडियो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन या ऊपर देखो बेल आइकन में आ जाएगा, वो वीडियो भी देख लेना, वो व्यू बता दिया साइकोलॉजी के साथ, बिल्कुल मिस मत करना। बैंक निफ्टी लास्ट क्लोज 20,893, यस लक्ष्मण रेखा 21,147-21,230, वंस क्रॉस 21,230 एंड स्टे अबव दिस लेवल, इट विल जूम टू किस 21,670-21,900, यस क्रूशियल सपोर्ट 27,30, यस वंस ब्रेक 27,30 सपोर्ट बता रहा हूं, 20,530 2370 का लोअर लेवल भी आपको दिख जाएगा। अब मैं पहला स्टॉक की बात कर रहा हूं, लुपिन की 919 पे लास्ट क्लोज है, यस बिलो 911 विल सी पैनिक अप टू 976-9856, कीप स्टॉप लॉस 927। सेकंड स्टॉक एक्सिस बैंक, यस 404.75 पे लास्ट क्लोज है, ऑन राइज ओनली ठोको, लक्ष्मण रेखा जोन 414-400 सर्टेन विद स्टॉप लॉस 427। कॉन्कर 400.30 पैसे का कॉन्कर का लास्ट क्लोज है, यस लक्ष्मण रेखा 407-411 विल सी पैनिक जोन अप टू 391-386। एचडीएफसी बैंक लक्ष्मण रेखा 1861-1865 गो शॉर्ट विद स्मॉल ट्रेस एंड होल्ड इट। कोटेक बैंक 1299 लक्ष्मण रेखा 1377-1327 यस गो शॉर्ट एंड सेट रिलैक्स, इट विल बी स्लाइड अप टू 1271-1256। एसबीआई ऑन राइज भाई लक्ष्मण रेखा बता रहा हूं 183-186 ठोकने का सोचो, विल स्लाइड अप टू 177-171। इन्फोसिस लास्ट क्लोज 721-727 ऑन राइज लुक एंड टायर्ड गो शॉर्ट नियर आवर लक्ष्मण रेखा गो शॉर्ट पैनिक स्लाइड अप टू 702-694। ये मेरे कुछ रूल्स हैं जो 5 मिनट का मैं आपको देता हूँ कि भैया पहला अगर मैं बाई करने का दे रहा हूँ सेल कर रहा हूँ पहला 5 मिनट का वेट करना है, उसके बाद ही आपको एंट्री लेनी है, दिस इज लेवल्स राइट। अगेन हाई टूटेगा 5 मिनट के बाद तभी 5 मिनट के हाई के ऊपर बाई करना है, लो टूटेगा 5 मिनट अगर सेल दिया तो तभी लोग सेल करना है, और अगर किसी में एसएल नहीं दिया मैक्स टू मैक्स 2% का एसएल होना चाहिए, 1.5 से 2% से ज़्यादा कोई बड़ा एसएल नहीं लेगा अगर आप मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हो, स्टॉप लॉस को भगवान बना लेना और रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट के विदाउट डोंट ट्रेड इन दिस मार्केट, गलती से भी आप पैर मत रखना स्टॉक मार्केट में, खदेड़ दिए जाओगे, मार दिए जाओगे आपको, ठीक है वीडियो ओके। सो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अगर चीज समझ में आ रही है गाइस, बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए चीज लेके आता हूं, और अगर साइकोलॉजी समझनी है, कुछ और एडवांस की स्ट्रैटेजी समझनी है, कुछ और पावरफुल कैसे मैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ वो मैं अपनी क्लास में सिखाता हूँ, आप वो भी सीख सकते हैं मुझसे, मोस्ट वेलकम। 6 जुलाई की हैं, कुछ लिमिटेड सीट्स बची हैं,
डिस्काउंटेड ऑफर के लिए फर्स्ट 30-40 मेंबर्स के लिए मैं 10% ऑफर देता हूँ, डिस्काउंट देता हूँ। तो कुछ 6 से 7 सीट्स बची हैं, बुक कर लेना भाई, क्योंकि हाउसफुल जाता है। ये वाला बैच भी हमारा 350 प्लस स्टूडेंट्स का है, तो हाउसफुल जाएगा, तो वो ऑफर 5-6 बंदों का है। तो प्लीज़ इमीडिएट बेसिस पे टेलीग्राम में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं लाइव कॉल्स भी देता हूँ आप लोगों को। परफॉर्मेंस चेक करो, 1 दिन 2 दिन नहीं भाई, 10 दिन कम से कम देखो, तभी समझ में आएगा पावरफुल है या नहीं है। नहीं है ब्लॉक करो, है समझदार हो बॉस। ओके, आवर मोटो लर्न एंड देन अर्न। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, लव यू ऑल। ध्यान रखना अपना, क्वारंटाइन चल रहा है, घर पे ही रहिए सर। थैंक यू।